हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं पेप्टिक अल्सर में इस्तेमाल होने वाले मेडिसिन के बारे में। ठीक है, तो इससे पहले हम लोग ये समझेंगे कि पेप्टिक अल्सर होता क्या है। ठीक है, पेप्टिक अल्सर क्या है? एक प्रकार का पेट का रोग है। ठीक है, जिसमें क्या होता है, स्टमक की लेयर में जो म्यूकोसा लेयर होता है उसमें सोर बनने लगता है, यानी कि घाव होने लगता है। ये किसके कारण होता है? ए, जब स्टमक में पीएच मेंटेन प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाता है, यानी कि एसिड बेस का बैलेंस जो है प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, एसिड का सिक्रेशन होने लगता है, जिसकी वजह से अधिक सिक्रेशन होता है, जिसकी वजह से जो म्यूकोसा लेयर होता है ना, वो क्या होता है उसमें इंजरी होने लगती है, जिससे कि धीरे धीरे उसमें घाव होने लगता है। तो हम इसके मेडिसिन के बारे में जानेंगे कि इसमें कौन कौन सी मेडिसिन इस्तेमाल की जाती है। ठीक है, आपके मेडिसिन इस्तेमाल होते हैं एंटासिड। ठीक है, ये एंटासिड क्या करते हैं, ये जो एसिड एक्स्ट्रा सीक्रेट होते हैं है ना स्टमक में, उसको न्यूट्रलाइज करते हैं। ठीक, इसके अंतर्गत आपका मेडिसिन है मैग्नेशियम हाइड्रोक्साइड, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम कार्बोनेट और सोडियम बाइकार्बोनेट। मैग्नेशियम हाइड्रोक्साइड, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड का टेबलेट भी आता है और ये सिरप भी आता है इसका। नेक्स्ट है रिड्यूस गैस्ट्रिक एसिड सिक्रेशन, यानी कि जो गैस्ट्रिक एसिड सिक्रेशन अधिक हो रहा है स्टमक में, ठीक है, तो उसको ये रिड्यूस करने का काम करते हैं, कम करने का काम करते हैं। ठीक है, तो इसके अंतर्गत है आपका H2 रिसेप्टर ब्लॉकर। ठीक है, यानी कि जो मेडिसिन H2 रिसेप्टर को क्या करते हैं, ब्लॉक कर देते हैं, उसके अंतर्गत मेडिसिन है आपका साइमेटिडिन, फेमोटिडिन और रेनिटिडिन। ठीक है, रेनिटिडिन आपका एसिलॉक या फिर रेनिटिन 150 mg, 300 mg की आती है, उसमें केमिकल कंपाउंड रेनिटिडिन पाया जाता है। नेक्स्ट है आपका फेमोसिड 20-40 mg का आती है, जिसमें फेमोटिडिन प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट है प्रोटोन पंप इनहिबिटर, यानी कि प्रोटोन पंप को इनहिबिट करने वाले केमिकल कंपाउंड, जो कि निम्न प्रकार से है, ओमिप्राजोल, लेंसिप्राजोल, पेंटोप्राजोल, रेविप्राजोल। ठीक है, तो एक सब कैप्सूल फॉर्म में आते हैं। ठीक है, और एक टेबलेट फॉर्म में भी आते हैं, कैप्सूल और टेबलेट फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है मस्क्रेनिक एंटागोनिस्ट। ठीक है, मस्क्रेनिक रिसेप्टर का जो एंटागोनिस्ट होता है उसके अंतर्गत आपका है मेडिसिन पाइरेंजीपाइन। ठीक है, दूसरा है टेलिंजीपाइन। अब डिस्कस करते हैं अल्सर प्रोटेक्टिव, यानी कि जो अल्सर बन जाता है ना, तो उसको हीलिंग करने के लिए जो केमिकल कंपाउंड इस्तेमाल किए जाते हैं, अल्सर को प्रोटेक्ट करता है, जो यानी कि म्यूकोसा लेयर में इंजरी हो जाती है एसिड कि सिक्रेशन अधिक होने से, है ना, तो ये क्या करता है, उसको प्रोटेक्ट करता है। तो इसके अंतर्गत है आपका बिस्मथ कंपाउंड। नेक्स्ट है सुक्रालफेट, सुक्रालफेट का सिरप भी आता है। नेक्स्ट डिस्कस करते हैं अदर्स, यानी कि इसके अलावा और भी जो मेडिसिन इस्तेमाल किए जाते हैं, इसके अंतर्गत है आपका सीजाप्राइड। ठीक है, नेक्स्ट है कार्बिनोक्सोलोन। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये क्लासिफिकेशन आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा, है ना। तो एक बार फिर से मैं इसकी हेडिंग को डिस्क्राइब कर देता हूँ। एंटासिड, यानी कि जो एसिड स्टमक में अधिक सिक्रेट हो रहे हैं उसको न्यूट्रलाइज करते हैं। ठीक है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम कार्बोनेट और सोडियम बाइकार्बोनेट। नेक्स्ट है आपका रिड्यूस गैस्ट्रिक एसिड सिक्रेशन, है ना, जो कि गैस्ट्रिक एसिड का सिक्रेशन स्टमक में अधिक होता है उसको रिड्यूस करने का काम करते हैं। इसके अंतर्गत H2 रिसेप्टर ब्लॉकर है ना, साइमेटिडिन, फेमोटिडिन, रेनिटिडिन। दूसरा है प्रोटोन पंप इनहिबिटर, इसके अंतर्गत है आपका पेंटोप्राजोल, रेविप्राजोल, ओमिप्राजोल, लेंसोप्राजोल। नेक्स्ट है मस्क्रेनिक एंटागोनिस्ट पाइरेंजीपाइन, टेलिंजीपाइन। नेक्स्ट अल्सर प्रोटेक्टिव बिस्मथ कंपाउंड एंड सुक्राल फेट, सुक्रालफेट का सिरप भी आता है। अदर्स के अंतर्गत आपका है सीजाप्राइड और कार्बिनोक्सोलोन।
अब आप इसको क्या करेंगे, इसकी क्लासिफिकेशन को अच्छी तरीके से याद कर लीजिए।